फिरोजाबाद पुलिस बदमाश गिरोह के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 अरेस्ट। फिरोजाबाद के एटा रोड निहाल सिंह के पास पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। डॉट पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा इकराम नामक बदमाश है, जो गिरोह का सरगना है। मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे फिरोजाबाद पुलिस ने एटा रोड निहाल सिंह की पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान गिरोह के सरगना इकराम समेत यासीन सलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो बदमाश चोरी का माल छुपाकर किसी वारदात की फिराक में थे, इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पके गए आरोपी शातिर किस्म के बदमाश है, करीब 1 दर्जन से अधिक लूट चोरी के मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी तमंचा कारतूस चोरी का माल भी बरामद किया है। देखिए 7/8 की रात्रि में अप्रैल माह में टूंडला थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर चोरी की घटना हुई थी। चोरी की घटना का अनावरण के लिए SHO टूंडला की टीम तथा SOG को इसमें लगाया गया था। दोनों टीमों ने इसमें अथक प्रयास करके CCTV फुटेज के माध्यम से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसका सगना इकराम था। इकराम को आज तहसील के पीछे प्रतापपुर रोड पर बरामदगी के लिए पुलिस टीम लेकर के आई थी। उसी दौरान झाड़ियों में उसने अपना ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप छिपा रखा था। उसी के साथ में उसने तमंचा भी छिपा रखा था। जैसे ही वो सामान वहाँ पे दिखाया, उसके बाद झाड़ियों से उसने तमंचा निकाल करके पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उसके पास से लैपटॉप, ज्वेलरी और कैश की बरामदगी की गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।